बैक टू माय चैनल वंस अगेन। आज मैं फिर आ गई आपके लिए और वीडियो लेके। सो गाइस, आज की जो हमारी वीडियो है वो है वर्सेस वीडियो। आज हम ऑयल पेस्टर्स के ऊपर वीडियो बनाएंगे। इसमें गाइस मैं आपको बताऊंगी कि आपको कौन सी कंपनी के जो ऑयल पेस्टर्स है वो यूज करने चाहिए, कैमल के, डॉम्स के या फिर अप्सरा के। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, आज जो मैं अपनी मिक्सिंग करूंगी वो करूंगी मैं कॉटन से। चलिए, सबसे पहले हम करेंगे अप्सरा का, कि अप्सरा के जो क्रियॉन्स है वो कैसे मिक्सिंग करते हैं। मैं लेती हूँ सबसे पहले वॉयलेट कलर। मैं वॉयलेट कलर से करूँगी। हम यहाँ से बहुत ही लाइट, बहुत डार्क चल रहे हैं हम, मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं अभी तक। तो अब पता नहीं जब ये मिक्स होंगे तो ये कैसे लगेंगे। यहाँ तक ये। एंड देन गाइज मैं लूँगी वॉयलेट कलर, जो बहुत अच्छा है, कलर्स इसका बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत ही ब्यूटीफुल है। यहाँ से भी हल्का हल्का। एंड गाइस, अब यहाँ लास्ट में थोड़ा सा मिक्स करने के लिए मैं ले रही हूँ गाइस, यहाँ लास्ट में थोड़ा सा मिक्स करने के लिए ऑरेंज। इस तरह से मैं ऑरेंज ले रही हूँ थोड़ा सा। बहुत ही ब्राइट कलर्स हैं ये, रियली वेरी वेरी नाइस। एंड यहाँ से हल्का सा ले आती हूँ मैं। गाइस, अब मैं हम इसे कॉटन से मिक्स करते हैं, देन हम देखते हैं इसका कैसा रिव्यू आता है। थोड़ी सी कॉटन से मिक्स करती हूँ सबसे पहले मैं। एंड इस तरह से कुछ आ रहा है। मुझे लगता है कि मुझे इसे थोड़ा और डार्क कलर करना चाहिए था, बट फिर भी बहुत अच्छा चल रहा है अभी तक ये। एंड अगर हम इसे ऐसे करें, कोई नहीं, अब हम थोड़ा और इसमें डार्क कर लेते हैं। ये हमारा जो वाइट वाइट गैप है वो हमारा दिखेगा नहीं। इस तरह से कुछ अब बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने थोड़ा और यूज़ किया था, मुझे लगता है मेरा परफेक्ट दिख रहा है एकदम। एंड हल्का हल्का यहाँ साइड से, मैंने डॉक्टर टेप पहले से यहाँ पे लगा के रखी थी। जब हम ऑयल पेस्टर का यूज़ करते हैं, हमें डॉक्टर टेप हम लगा के रखते हैं, क्योंकि फिर मैं जब इस डॉक्टर टेप को हटाऊंगी तो आप खुद आपको सब पता चल जाएगा। इस तरह से थोड़ा साइड में भी हम। एंड जब भी आप ऑयल पेस्टर कलर करें, आप एक चीज़ याद रखें कि आपको ऐसे नहीं करना है, कभी आप ऐसे कर रहे हैं कभी ऐसे, एक ही फ्लो में रखना है हमें इसे। बहुत ही अच्छा गेटअप आता है जो हमारा आता है फिर। एंड गाइज, अगर मैं इसे रेट करूँ, गाइज 10 में से अगर मैं इसे रेट करूँ तो गाइज मैं इसे 10 out of 10 दूंगी अभी तक तो। बहुत ही, क्योंकि ब्यूटीफुल हो रहा है ये। हमें बस इसमें एक प्रॉब्लम है, पर जब हम कॉटन से करते हैं थोड़ा हमें प्रेशर लगाना पड़ता है, पावर लगानी पड़ती है। ये हमारे पास ओनली प्रॉब्लम है, और तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। चाहे तो आप टिश्यू या टूथब्रश से भी कर सकते हैं, पर मैं अभी कॉटन से कर रही हूँ क्योंकि मैं देखना चाहती थी क्या कॉटन से जो हमारे अप्सरा के कलर्स हैं क्या हो पाएंगे। बहुत अच्छे हो रहे हैं, जैसा कि मैंने बताया, बस थोड़ी पावर लगानी पड़ती है। इस तरह से ये हो रहे हैं अभी तो हमारे। थोड़ा सा मैं ऑरेंज ऑरेंज कलर लाना चाहती थी यहाँ पे। एंड हल्का सा पर्पल, थोड़ा यहाँ लाइट हो गया था। एंड इस साइड से अब हम करेंगे इसे। गाइज, मेरा अप्सरा का जो कंपनी का व्यू है वो तो बहुत अच्छा आया है, बहुत ही ब्यूटीफुली ब्लेंड हुआ है। सबसे अच्छी बात मुझे इसकी ये लगी कि बहुत डार्क चल रहा है, बहुत ब्राइट कलर्स हैं इसके। अगर मैं इसे रेट करूँ तो गाइज मैं इसे 10 out of 10 करूँगी। मैं अगर आपको सजेस्ट करती हूँ आप इसे यूज़ कर लीजिए। एंड गाइज, इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता ही चल जाएगा कौन सी कंपनी बेस्ट है। मैं अभी कह नहीं सकती कि अप्सरा ही बेस्ट है, क्योंकि हमने कैमल और डॉम्स को ट्राई नहीं किया है। अभी हमें उन्हें एक बार ट्राई करके देखते हैं। चलिए अब उन्हें देखते हैं हम ट्राई करके कैमल कंपनी को। बारी आती है हमारी कैमल कंपनी की। अप्सरा को तो मैंने 10 out of 10 रेट किया है, अब देखते हैं कैमल कंपनी को मैं क्या रेट करती हूँ। कैमल कंपनी में भी मैं यही सेम कलर्स लूँगी गाइज। सबसे पहले जो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि जो कैमल कंपनी का बॉक्स है ये ऐसा, मैं अप्सरा का जो बॉक्स है मैं आपको लास्ट में दिखा दूंगी, इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है।
सो कैमल का मैंने आपको दिखा दिया है। सो गाइज सबसे पहले मैं जो हमारी कैमल कंपनी है उसमें जो हमारा वायलेट कलर नहीं है सो मैं ब्लू कलर यूज़ कर रही हूँ, मेरे पास और कोई चॉइस नहीं है। एंड इसमें वायलेट कलर तो है सो सबसे पहले हम ब्लू कलर ही कर लेते हैं क्योंकि और कोई चॉइस नहीं है मेरे पास। इस तरह से हम से करेंगे लाइट लाइट। गाइस मुझे नहीं लग रहा है कि कैमल कंपनी इतना अच्छा अपना रिव्यू दे पाएगी, इतनी अच्छी मिक्स हो पाएगी क्योंकि अभी भी बिल्कुल भी नहीं। मैंने नीचे जो पेपर लगा रखे थे उनकी शेड एकदम आ रही है, पर जब मैंने अप्सरा कंपनी का किया था जब उसकी शेड नहीं आ रही थी सो मुझे लगता है अप्सरा बेस्ट होगी कैमल से, पर कुछ कह भी नहीं सकते हैं। एंड नाउ ऑरेंज, क्योंकि मैंने पहले भी ऑरेंज ही किया था सो मैं इसमें से ऑरेंज ले लेती हूँ एंड ऑरेंज कर देंगे हम यहाँ पे। सो एक बार ब्लेंड करके देखते हैं कैसा रिव्यू आता है। कॉटन मैंने ले ली है इसमें से कर करके। हाँ ऐसे ब्लेंडिंग करने में इसकी थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। इतनी भी बुरी ब्लेंडिंग इसकी नहीं है जैसे कि मैंने कहा, पावर तो आपको लगानी ही पड़ेगी अगर आप कॉटन से कर रहे हैं, एंड टूथब्रश से करने में शायद से आपको इतनी पावर ना लगानी पड़े सो मैं कुछ कह नहीं सकती हूँ उसके बारे में। सो इस तरह से लाइट लाइट ब्लेंडिंग वैसे इसकी इतनी भी बुरी नहीं है, अच्छी हो रही है ब्लेंडिंग इसकी। सो इसे लाइट लाइट इस तरह से प्रेस करना है। मुझे लगता है मुझे थोड़ा ब्लू और ले लेना चाहिए था सो अब मैं इसे ले लेती हूँ क्योंकि बहुत लाइट हो रही है, साइड में गैप भी आ रहा है सो ये प्रॉब्लम है बस इसमें। और अगर आपकी ब्लेंडिंग नहीं होगी तो ऑयल पेस्टल कलर फिर किसी काम के नहीं है। सो इस तरह से हम इसकी ब्लेंडिंग करते रहना है। थोड़ी सी इसकी प्रॉब्लम आ रही है, इसमें अप्सरा से ज़्यादा पावर लगानी पड़ रही है गाइस। डब पर्पल को ब्लेंड करके देखते हैं कैसे होता है। मुझे लगता है पर्पल भी मुझे और लेना ही होगा। इस तरह से करके इसे मैं पर्पल भी ले लेती हूँ थोड़ा, जिससे अच्छी तरह ब्लेंडिंग हो पाए, साइड में बिल्कुल भी गैप ना बचे जैसे अप्सरा कंपनी के हम नहीं बचा था। इसी तरह से मुझे करते रहना है थोड़ा सा, ऑयल पेस्टर जब भी हम लेते हैं हमें चेक करके लेना चाहिए कि वो कैसा ब्लेंड करता है क्योंकि ऑयल पेस्टर से हम ज़्यादातर ब्लेंड ही करते हैं। सो इसे हम इस तरह, गाइज इट वॉज रियली रियली वेरी हार्ड इसे ब्लेंड करना पर कोई नहीं, देखते हैं क्या होता है। मेरा हैंड पेन होने लगा है, इसे करते रहना है योगा में। इस तरह करके ब्लेंड करते रहना है। जैसे हमने अप्सरा कंपनी ब्लेंड की थी तो उसमें पता नहीं चल रहा था एकदम बहुत ही अच्छी तरह ब्लेंडिंग हो रही है, इसमें यहाँ पे थोड़ा पता चल रहा है, वैसे ब्लेंडिंग हो रही है पर इतनी भी अच्छी तरह नहीं। सो फिर मैं देखती हूँ मैं इसे क्या रेट करूँगी। इस तरह से रियली वेरी हार्ड। अभी डॉम्स कंपनी भी बची हुई है, देखते हैं वो ब्लेंड कैसा हो पाती है। सो इस तरह से हमें इसे करते रहना है। ऑरेंज भी हो चुका है हमारा ब्लेंड थोड़ा एंड तो लाइटली हमें से इस तरह से। सो हमारी ब्लेंडिंग हो चुकी है गाइस। सो गाइस एक बार आप देख सकते हैं जो हमारी कैमल एंड अप्सरा है, जो हमारी अप्सरा कंपनी थी वो थोड़ी अच्छी तरह ब्लेंड हुई है और डार्क भी है बहुत ये, बट अगर कैमल कंपनी की बात करें तो ये थोड़ी लाइट ब्लेंड हुई है पर ब्लेंड हुई है। सो आई थिंक मैं इसे रेट करूँगी 10 आउट ऑफ 7। सो मैं सिर्फ 10 आउट ऑफ 7
रेट करती हूँ एंड अप्सरा कंपनी को 10 out of 10। सो अब हम बात करते हैं डॉम्स कंपनी की। सो गाइस, डॉम्स कंपनी का मैं आपको दिखा देती हूँ, जो कवर है वो कुछ इस तरह से है। एंड मैं आपको अप्सरा कंपनी का भी दिखाई देती हूँ, मैंने आपको दिखाया नहीं था गाइस, वो कुछ इस तरह से है गाइस। हमारा अप्सरा कंपनी का जो कवर है कुछ इस तरह टाइप से है। सो गाइस, अब हम ट्राई करते हैं डॉम्स कंपनी को। सो डॉम्स में से भी मैं सेम कलर्स ही लूँगी गाइस। इसमें भी हमारा जो पर्पल कलर है नहीं, सो इसलिए मैं ब्लू ही यूज़ करती हूँ एंड वॉलेट एंड ऑरेंज। सो ये तीनों कलर ही हम यूज़ करेंगे। इस समय दो में मैंने कैमेल और अप्सरा में यूज़ किए थे, तो उस समय पता चल जाएगा सो कि कौन से ज़्यादा बेस्ट है। सो सबसे पहले ब्लू। वाओ, ये भी बहुत डार्क चल रहा है गाइस। कुछ ज़्यादातर लोग हमारे डॉम्स कंपनी ही यूज़ करते हैं, पर उनके लिए ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि जो हमारे अप्सरा एंड कैमल कंपनी है वो कैसी है। गाइस आप देख सकते हैं इसमें भी इस तरह लाइन्स आ रही है। शुरू में जो हमारे कैमल कंपनी में भी लाइन्स आई थी, पर अब ज़्यादा भी दिख नहीं रही हैं। सो देखते हैं क्या होता है आगे। सो इस तरह से हम करेंगे एंड देन इस तरह से हम वॉयलेट कलर अपना ब्लेंड करते रहेंगे, इस तरह से चलाते रहेंगे एंड देन ऑरेंज कलर। ऑरेंज कलर भी बहुत ब्राइट है गाइस। ये भी अप्सरा कंपनी की तरह ही चल रहे हैं, पर अभी पता नहीं है क्योंकि मैंने ब्लेंड नहीं किया इन्हें अभी, फिर पता चलेगा। सो मैं इसे ब्लेंड करती हूँ कॉटन से। थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है गाइस ब्लेंडिंग में, इसमें देख सकते हैं मेरी कॉटन। आप अभी मैंने करना स्टार्ट किया ये ब्लू हो गई। इसमें ज़्यादा पावर नहीं लगानी पड़ रही है, पर ब्लेंडिंग अच्छी हो रही है। नाइस ब्लेंडिंग, एकदम ब्राइट ब्लेंडिंग हो रही है हमारी एंड स्पेस भी अच्छी तरह कवर कर रहा है। मुझे लग नहीं रहा था कि जो हमारी डॉम्स कंपनी है वो इतना अच्छी तरह कर पाएगी। एंड हल्का सा में कॉटन मेरी ब्लू हो चुकी है अभी एकदम ऑयल पेस्टर से। सो हम करते रहते हैं ऐसे। बस इसमें वो बात होती है कि अगर आपने साइड में कलर नहीं लगाया तो वो कवर स्पेस नहीं कर पाएगी हमारा। सो इसमें मुझे लगता है मुझे थोड़ा और लगाना चाहिए ब्लू कलर। सो अभी मैं लगाऊंगी इसे थोड़ी देर में। इसमें मैं करती रहूंगी एंड गाइस मैं लगा ही लेती हूँ कलर, क्योंकि मैंने मुझे लगता है मैंने इसमें थोड़ा लाइट कलर लगाया था। सो ट्राई करते रहते हैं हम इस तरह से लाइटली। बहुत ही रियली गाइस, मुझे लग नहीं रहा था इतना अच्छा कवर कर पाएगी, पर इट वाज वेरी नाइस। सो इस तरह से ब्लू कर लेती हूँ अपना पूरा। मुझे लगता है मैंने इसमें थोड़ा ब्लू ज़्यादा जगह ले लिया, बट इट्स ओके। थोड़ा सा हम इसे ऐसे से प्रेस करके, शुरू में लग रहा था कि मुझे इसमें ज़्यादा पावर नहीं लगानी पड़ेगी प्रेस करने में कॉटन को, लेकिन फिर मुझे लग रहा है कि अब ज़्यादा पावर लगाने की ज़रूरत है क्योंकि वो इतने अच्छे से ब्लेंड नहीं हो रहा। फिर देखते हैं मैं इसे क्या रेट करती हूँ। एंड इस वीडियो को आप देख के आपको इजीली पता चल जाएगा आपको कौन सी कंपनी के ऑयल पेस्टर कलर्स बाय करने हैं। सो चलिए हम अपना करते रहते हैं। मैं अपनी कॉटन जो है मैं चेंज कर रही हूँ गाइस, क्योंकि फिर उसमें हमारे ब्लू कलर का शेड आ रहा था ऑरेंज में। सो इस तरह से हमें करते रहना है। ये ऑरेंज है, ये हमारा अच्छी तरह मिक्स नहीं हो पा रहा है, पर जो हमारे ये दोनों कलर्स थे पर्पल मीन्स वॉयलेट एंड ब्लू ही अच्छी तरह मिक्स हो रहे थे। सो इस तरह मैं इसे
एंड गाइस इनके साथ स्केचिंग टूल्स भी आए हैं हमारे, अप्सरा कंपनी के साथ नहीं आए हैं पर और जो हमारी कंपनीज है कैमल एंड जो डॉम्स हैं उनके साथ हमारे स्क्रैचिंग टूल्स आए हैं। गाइस ये हमारा मिक्स नहीं हो रहा है, आई डोंट नो व्हाई, बट ट्राई मैं पूरा कर रही हूँ। सो अगर ये मिक्स हो जाता सो मैं इसे फुल नंबर दे सकती थी, 10 out of 10 दे सकती, पर ये मिक्स नहीं हो रहा है लास्ट में आके, आई डोंट नो व्हाई क्या हुआ इसमें। सो गाइस आज की वीडियो हमारी यहीं ख़त्म होती है, एंड मैं आपको बता दूँ मैंने जो डॉम्स की कंपनी को रेट किया है वो है गाइस मैंने 10 out of 8। सो ये भी हमारा 10 out of 7, 10 out of 8 एंड अप्सरा 10 out of 10। सो आप अप्सरा कंपनी को बाय कर सकते हैं इसके ऑयल पेस्टल कलर्स को। सो गाइस अब मैं आपको दिखाती हूँ जो हमारा व्यू है वो क्या है इन सब का मिला के। सो चलिए देखते हैं। सो गाइस ये है मेरा व्यू, ये हमारी है अप्सरा कैमल डॉम्स। सो गाइस कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, मैंने जो टेप है मैंने ये उतार दी है, एंड गाइस मैंने रिमूव कर दिया हमारी जो टेप है। सो गाइस ये बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है। सो मैं आपको सजेस्ट करती हूँ आप जो हमारी अप्सरा कंपनी है उनके बाय कर सकते हैं, वरना मतलब मैं आपको कुछ आप देख रहे हैं ना, आप जो आपको अच्छी लग रही है जिसका शेड आपको ज़्यादा अच्छा लग रहा है आप वो बाय कर सकते हैं, मैं आपको ऐसा कोई कह नहीं रही हूँ, बट मेरे ख्याल से अप्सरा कंपनी बेस्ट है क्योंकि इसका एकदम बहुत ही अच्छी तरह मिक्स हुआ है हमारा। एंड अब जो हमारी डॉम्स कंपनी है इसका हल्का सा लाइट गाइस कैमल कंपनी का थोड़ा लाइट हुआ है, एंड डॉम्स का भी अच्छा हुआ, पर ये जो लास्ट में ऑरेंज आके हुआ ये आई डोंट नो पता नहीं कैसे ये मिक्स नहीं हुआ। सो गाइस ये थी मेरी आज की वीडियो, एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। सो गाइज बाय बाय, वी मीट इन अवर नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय गाइज।